जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर कि आरजेडी के नेता के तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीबीआई और ईडी को बिहार में आने से बंद कर सकते हैं, उसको कानून बना के, क्या ऐसा हो सकता है? और आरजेडी का नेता का जो ये कहना है, इसका क्या आधार है? और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 मार्च 2023 को लालू जी और के सभी परिवार के ऊपर जो है लगभग 4 तेजस्वी यादव और 3 उनकी बहनें जो हैं उनके ऊपर जो है ईडी का रेड हुआ, और ईडी ने और बहुत सामान जब्त किए, और साथ में जो है उन्होंने 600 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन के बारे में भी बताया कि ये जो जमीन लेके जॉब देने की जो घटना हुई है, घोटाला हुई है, जॉब घोटाला, उसमें 600 करोड़ रुपये के आसपास का जो है ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये सबसे आरजेडी के नेता और लालू जी के परिवार बहुत ही आवेश में आ गए हैं और बहुत जो है ना अनाप शनाप बोलने लगे। उसी में एक जो है वृद्धि क्या हुआ है कि आरजेडी के नेता ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब कानून बनावे और ईडी को और सीबीआई को बिहार में आने से रोके। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तो फ्रेंड्स, जो है ये कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि मैं बताया कि ईडी का जांच क्यों होता है, ईडी का जांच मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग होता है, मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग जो का ट्रांजेक्शन घटना होती है, मीन्स मनी का जो ट्रांजेक्शन इलीगल रूप से एक जगह से दूसरे जगह विदाउट सोर्स बताए हुए जो होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहलाता है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस स्टेट के कंट्रोल में नहीं आता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। इसलिए जो है नीतीश कुमार ईडी को बिहार में जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जांच करती है और उस पर केस चलाती है, ये सेंट्रल के इशू में आता है और सेंट्रल इस पे कंट्रोल करती है। और ये सेंट्रल कंट्रोल करने के कारण जो है सेंट्रल को पावर है उस पे कानून बनाने का, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है जो है कानून बनाना का मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट लेवल पे एक अलग जो है यूनिट रखती है, वो अपने स्टेट के और जो पेपर होते हैं उसके ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियली जो है घपलेबाजी का होता है, ये तो वो सब जो है स्टेट अपने पुलिस के जरिए या अपने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है पुलिस का स्टेट गवर्नमेंट का उसके द्वारा, या निगरानी डिपार्टमेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट का उसके द्वारा वो करते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक पीपल से दूसरे पीपल में जो होता है वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर जो है स्टेट मैटर नहीं है। अगर ये लार्ज अमाउंट में अगर होता है ये सेंट्रल का इशू है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे कानून बना सकती है और ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ईडी को उस स्टेट में जाने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो स्टेट जो है कंकरेंट लिस्ट में जो है जो दिया हुआ 3 कंकरेंट लिस्ट जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिलके, लेकिन उस पर प्रिविलेज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिविलेज होगा। इसलिए नीतीश कुमार कोई भी ऐसा कानून बनाने के ईडी को नहीं रोक सकती है बिहार में जाने से, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा होता है। अब बात आती है कि सीबीआई का, तो सीबीआई जो है जिस केस को हैंडल करती है वो करप्शन से केस होता है या फिर जो है वो केस किसी क्राइम से होता है। तो इस चीज में है क्या कि अगर स्टेट लेवल का क्राइम है और स्टेट के अंदर क्राइम है तो वो क्राइम का जो है ट्रायल है या इन्वेस्टिगेशन है उसको स्टेट पुलिस के द्वारा किया जाता है। लेकिन बहुत आदमी को अगर ये लगता है कि स्टेट पुलिस जो है उस पे ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाएगी, ठीक से उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से
और सीबीआई की जांच करती है या फिर कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेती है और सीबीआई को जो है वो ट्रांसफर करती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर सर्टिफाइड होती है या हाई कोर्ट अगर सर्टिफाइड होती है तो स्टेट पुलिस से ट्रांसफर करके सीबीआई को देती है। ये अगर स्टेट का मैटर के अंतर्गत स्टेट के एक्टिविटी में अगर होता है कोई पार्टिकुलर स्टेट में, तो यहाँ पे सीबीआई को वो कुछ हद तक जो है नीतीश कुमार रोक सकते हैं कि हमारे स्टेट में आके ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट ऑर्डर कर, लेकिन वो भी फुल्ली स्टॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट जाएगा, अगर हाई कोर्ट जाएगा पेपल और या सुप्रीम कोर्ट जाएगा अगर वो वहां पे ऑर्डर दे देती है सीबीआई को, तो फिर यहाँ पे नीतीश कुमार का कानून जो बनाया होगा वो फ्लॉप पड़ जाएगा। दूसरा है कि अगर सीबीआई के पास मैटर जाता है सेंट्रल डिपार्टमेंट से या सेंट्रल जो डिपार्टमेंट है वहां पे कोई करप्शन हुई है, तो उस करप्शन को लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो केस सीबीआई को देती है तो उस केस को लेके दिल्ली में मीन्स दिल्ली में बैठा हुआ सीबीआई या सीबीआई का हेडक्वार्टर प्रत्येक स्टेट में होता है, सॉरी वहाँ का जो है दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है लेकिन वहाँ पे रीजनल क्वार्टर जो है ऑफिसेज प्रत्येक स्टेट में लगभग होता है, तो वहाँ पे जो है सीबीआई जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ हुआ है या करप्शन हुआ है वहाँ पे, तो सीबीआई के पास केस जाएगी और सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो नीतीश कुमार किसी भी तरह से इस चीज को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्टेट का मैटर नहीं रहेगा, ये सेंट्रल का मैटर रहेगा। अब जहां तक बात आती है कि जो है सीबीआई का जो है इस तरह से मैटर में नीतीश कुमार स्टेट लेवल के मैटर को ही क्लोज जो है वो स्टॉप कर सकते हैं कि हम सीबीआई को नहीं देंगे, सीबीआई को स्टेट मैटर में नहीं आने देंगे, लेकिन जहाँ सेंट्रल के मैटर होंगे वहां पे सेंट्रल के मैटर में नीतीश कुमार का कोई भी कानून इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जो है अब कि सेंट्रल का पेपर या सेंट्रल का जो डिपार्टमेंट है उसका कई ब्रांचेज स्टेट में होता है और स्टेट में वो छानबीन करने के लिए सीबीआई जाएगी। और दूसरा चीज है क्या, जैसा कि अब लालू जी का बात है, ये लालू जी और तेजस्वी यादव उसका फैमिली का जो और लैंड लेके जो है जॉब देने की बात है, ये जो है रेलवे का घटना है और इस रेलवे के घटना में जो है वो सेंट्रल का घटना है और सेंट्रल घटने में जो है ये स्टेट किसी तरह का इन्वॉल्व नहीं हो सकती है क्योंकि सेंट्रल करप्शन सेंट्रल डिपार्टमेंट में करप्शन है। तो इस चीज को अगर नीतीश कुमार सीबीआई को रो का के लिए रूल भी बना सकती है, हालांकि ईडी के लिए रूल नहीं बना सकती है लेकिन सीबीआई के लिए अगर रूल भी बना सकती है तो यहाँ जो है रूल जो होगा वो सीबीआई के लिए स्टॉप नहीं कर पाएगी नीतीश का रूल, क्योंकि वो सेंट्रल जो है करप्शन का या सेंट्रल का जो केस होगा डिपार्टमेंट में वो उस केस को लेके इन्वेस्टिगेशन करेगी और वहां पे वो जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और तीसरा क्या है कि बिहार जो है कोई भारत से अलग राज्य नहीं है, नहीं भारत से अलग नहीं है, ये जो है भारत में पाया जाता है और संघीय ढांचा है, और अगर कोई सेंट्रल एजेंसी को कोई स्टेट रोकती है तो मीन्स ये आप कह सकते हैं कि एक संघीय ढांचे पर भी जो है एक खतरा होगा और ये संघीय ढांचे को जो है बर्बाद करने की एक पहल हो जाएगी। और ऐसा क्या जो है नीतीश कुमार कर सकते हैं और क्या ऐसा करने के योग्य हैं, हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा कर पाएंगे और करने के लिए सोच भी सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ऐसा करेंगे तो नीतीश कुमार की बदनामी के अलावा कुछ नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का ऑलरेडी छवि खराब हो चुका है, बिहार का जनता उसको नहीं चाहती है और बीजेपी को एक जो है इशू मिल जाएगी और नीतीश कुमार के अगेंस्ट बोलने के लिए कि उसने सीबीआई को इस तरह से रोक दिया, कानून बना बना के जो है और सीबीआई को आने नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा संभव 100% नहीं है क्योंकि स्टेट मैटर जो भी होगा उसमें सीबीआई जा सकती है और जाएगी, भले जो है सेंट्रल जो है वो स्टेट लेवल का जो है मैटर होगा उसमें नहीं जाएगी, लेकिन सेंट्रल लेवल का मैटर जो है उसमें वो जाएगी, उसको स्टॉप नहीं कर सकती है, वहां पे हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर अगर टन जाएगी बात तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके जा सकती है, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके जा सकती है, नीतीश कुमार इसको रोक नहीं सकते हैं।
इवेंट जो है जैसा कि मैं बताया कि अगर स्टेट मैटर है और कोई पीपल जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट जाता है, तो अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है सीबीआई को, तो नीतीश कुमार इसको रोक नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार इस तरह के कानून बनाने से परहेज करेंगे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी छवि खराब हो सकती है। अगर इस छवि में वो जो है बनना बने रहना चाहेंगे अच्छी छवि में, तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर आरजेडी के दबाव में करना चाहेंगे तो शायद उनके लिए घातक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की।